यार आज तो ना लोगों ने हद पार कर दी, अपनी औकात दिखाई दी यार लोगों ने आज तो। थंबनेल देख के आप भी सोचोगे भाई तू क्या बताने वाला आज मनोज दे के बारे में। सो गाइस घुमा फिरा के वापिस से मनोज दे को फिर टारगेट किया जा रहा है। रितु व्लॉग करके एक चैनल है और उसने मनोज दे के साथ वीडियो कॉलिंग की और अभी उसी को मुद्दा बना के एक वीडियोस बनी है। यार मैं दिखाना भी नहीं चाहता उसका थंबनेल यहाँ पे, क्योंकि बहुत गंदा बनाया उस लड़के ने जिसने वो वीडियो बनाई। उसके अंदर बोल रहा है कि मनोज दे और रितु व्लॉग के अंदर नाजायज संबंध है। तब तेरे की यार दिमाग खाम का हलवा समझ लिया तुम लोगों ने पूरे यूट्यूब को। और रितु व्लॉग और मनोज दे से रिक्वेस्ट है यार हाथ जोड़ के, रितु और मनोज भाई प्लीज यार ऐसे ऐसे वीडियो को रिपोर्ट करो। गाइस आज आप इस लोग आगे देखते रहो, मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा उस बंदे को जिसने ये वीडियो बनाई कि मनोज दे और रितु व्लॉग के आपस में नाजायज संबंध है, आपस में प्यार करते हैं ऐसा वो बोल रहे उस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते रहिए मेरे साथ, कोई शक होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो बता दूं मेरा नाम सुमित और आप देख रहे हैं आपका अपना हिट स्पोर्ट यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस अगर अभी तक आपने आपके अपने हिट टैग स्पोर्ट यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लेना लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, क्योंकि यहां पर मैं यूट्यूब के टिप्स ट्रिक्स और मोबाइल्स के रिव्यूज और अनबॉक्सिंग करता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक करके शेयर करना तो बनता है यार आज इस वीडियो को। ठीक है भाई मनोज दे पे फेक वीडियो बनी, ठीक थी, मैं कुछ नहीं बोला। मनोज दे ने टेक्निकल लखनऊ के स्ट्राइक दी, ठीक है अच्छी बात है, गंदगी साफ हो रही है। मनोज दे को झूठा बुरा गंदा इंसान कहा, तोतला बोला नहीं आता, ये सब कुछ कहा भाई, इस हद तक ठीक थी वीडियो। अगर उनका जवाब आपको सुनना ना तो आई बटन में लिंक है, तीन वीडियो तो ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूं इस इन टॉपिक्स के ऊपर, उन वीडियोस को जाके देखो, शायद आप भी मनोज दे के फैन हो जाओगे जो हेटर है। और आज तक बंदे ने हद कर दी, रितु व्लॉग और मनोज दे के अंदर नाजायज संबंध है। अरे यार समझ नहीं आता लोग किस हद तक गिरेंगे भाई व्यूज पाने के लिए, किस हद तक समझ में आ रहा। रितु व्लॉग ने भी एक थोड़े से दिन पहले अपने चैनल पे एक वीडियोस बनाई थी कि लोग मेरे नाम से गलत चैनल बना रहे हैं, गलत गंदी गंदी वीडियोस बना रहे हैं, फिर भी लोग नहीं रुक रहे यार। कब रुकोगे आप, जब आपका चैनल बंद हो जाएगा या आपकी जो गर्दन है शर्म के मारे झुक जाएगी तब आप रुकोगे क्या? अगर आपकी कोई बहन बेटी के साथ ऐसी वीडियोस बनाए तो आप लोगों को कैसा लगेगा? भाई आज मैं सीधा खुल के बोल रहा हूँ, मेरे को कोई डर नहीं है, किसी की कोई दिक्कत नहीं है, किसी का कोई दबाव नहीं है भाई मेरे ऊपर, किसी का कोई प्रेशर नहीं है, मैं अपने ओपिनियन शेयर कर सकता हूँ अपने व्यूअर्स के साथ। भाई लोगों आप मेरे को एक बात बताओ गाइस, अगर आपकी बहन बेटी के बारे में कोई ऐसी वीडियोस बनाएगी इसके साथ मेरा नाजायज संबंध है, मनोज दे के साथ इसका ऐसा संबंध है, तो क्या आप शांत बैठो भाई, उस वीडियो को रिपोर्ट करोगे ना? तो आप क्यों यहाँ पर अभी शांत बैठो, जाओ रितु व्लॉग चैनल सर्च करो और टुडे लिस्ट में जाओ और वीडियोस देखो दिस वीक कितनी गंदी गंदी वीडियोस बनी है। यार बंद करो ये सब कुछ बकवास है, बिल्कुल बकवास यार, इस चीज को इतना आगे मत लेके जाओ कि मनोज दे और रितु व्लॉग को कुछ ऐसा कदम उठाना पड़े जिससे आपकी सालों की मेहनत चैनल पे और एक वीडियोस की वजह से आपका चैनल डिलीट हो जाए भाई। सो समझ लो यार बात को, और रितु व्लॉग और मनोज दे से रिक्वेस्ट है आप बस आगे बढ़ते रहना, रुकना मत, किसी की मत सुना, और मेरा आपको दिल से सपोर्ट है, दिल खोल के सपोर्ट है, कभी भी जरूरत पड़े ना तो ये हिट टैग स्पोर्ट से सुमित रेडी बेटा आपकी हेल्प करने के लिए, बस दिक्कत मिले ना मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मैं रेडी हूँ। आप वीडियोस बनाओ, हेटर्स को मैं संभालने के लिए रेडी हूँ। और रितु व्लॉग इतना फास्ट ग्रो है यार, इतना फास्ट, एक छोटे से लेवल से उठ के कहां तक गई, और वो डरती नहीं भाई, वीडियोस में अपना फेस दिखाती है, डरती नहीं किसी से, ये खुद वो वीडियोस में बोलती है। और लड़कियां पता नहीं कहां कहां जा रही है, लड़के को बदनाम करते करते लड़के उनके पीछे पीछे, भाई शर्माने चाहिए आप लोगों को। इतनी बेइज्जती आराज मनोज दे भी एक बार तो ये सोचेगा क्या वीडियोस बन रही है भाई। रितु व्लॉग और मनोज दे बस आप रुकना मत, कंसिस्टेंसी वर्क करते रहो, कीप ग्रोइंग और keep working hard and smart and one day will be hit 1 million subscribers. मेरी तरफ से wish you all the best. दोनों यूट्यूबर्स मेरे लिए मेरे दिल के बराबर हैं, बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे कंटेंट के साथ हमें दे रहे हैं,
रितु जी अलग अलग व्लॉग्स हमको प्रोवाइड करती है, अपनी जगह दिखाती है, अपने गांव की, अपने आसपास शहर में कहां जाती है, क्या खाती है, सब कुछ आप लोग दिखाती है। लेकिन आप लोग इस हद तक रोज दे भाई यूट्यूब के वो टिप्स देते हैं जो यूट्यूब पे कोई नहीं समझा सकता, वो आपको डीपली समझाते हैं, फिर भी आप उनको फेक बोल रहे हैं। यार आपको शर्म आनी चाहिए, इतनी सी तो आपकी औकात होगी भाई एक छोटे ग्राउंड लेवल से उठ के इतने बड़े लेवल तक आया, आपको वो मेहनत नहीं दिख रही। एक बंदे ने वीडियोस बना दी फेक का, तो उसकी लाइन में लगे हुए फेक है। सो रिक्वेस्ट आप सभी से बंद करो ये सब और अपने काम पे ध्यान दो, वरना आप बस वार्निंग समझ लेना यार इस बात को, बस वीडियोस बनाना बंद करो। सो गाइस बस आज इस वीडियो में इतना, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने लिए। सो गाइस बस आज इस वीडियो में इतना ही, और गाइस सिर्फ खुद के लिए नहीं यार, सबकी हेल्प और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ना तो भी हमारा इंडिया ग्रेट बनेगा। हम यूथ में वो ताकत है जो इस देश को जगह सबसे बेस्ट बना सकते हैं। सो गाइस जितना हो सके दबा के शेयर करो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह गाइस, हर जगह बिल्कुल आग की तरह फैला दो इस वीडियो को। और इसी के साथ मैच मिलते हैं हिट टैक्स फोर्स से, आपके सपोर्ट करता हूं। और गाइस इसके अलावा भी आपके मन में कोई सवाल, कोई बवाल, आपके मस्ती में कुछ भी उछल कुछल मची हुई है तो जाओ नीचे कमेंट सेक्शन में #AskSumil लगा अपना क्वेश्चन मुझे दो। जी गाइस हां #AskSumil लगाना बिल्कुल मत भूलना, आपके क्वेश्चन पिकअप के लिए आने वाले संडे गपशप के अंदर आपके क्वेश्चन का जवाब बढ़िया से जवाब आप लोगों को मिल जाएगा। और गाइस लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे के रखा मैंने आपके अपने फेसबुक पेज का, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाओ आपके अपने फेसबुक पेज को लाइक करो, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर आ जाओ, वहां पर ज्यादा लाइव आता रहता हूँ और आपके क्वेश्चन का जवाब बड़ी आसानी से वहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसके साथ जय हिंद, वंदे मातरम।